हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा प्लीज़। मुझे भी आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। और अभी मेरा सारा काम हो गया है, सिर्फ झाड़ू लगाना था तो वो लगा रही हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा सा सफाई करूँगी, मतलब ऐसे ही ऊपर जो डस्ट जम जाती है ना उसको बस पोंछ दूँगी। तो पहले गैस के पास साफ़ कर दूँगी, फिर यहाँ पर मशीन रखी हुई होती है तो वहाँ कर दूँगी, क्योंकि वहाँ भी ज़रूरी होता है करना। कुछ भी रख देते हैं यहाँ, खाना ना खा लेते हैं तो कार्तिक बस यही करता है, तो इस वजह से यहाँ पे भी थोड़ी सी सफाई कर दूँगी। और आज बेडशीट भी बदलनी है तो बस वो भी बदल दूँगी। और सारा काम हो गया है, मैंने बेड वगैरह भी बना दिए, पर मैं शाम को बदलती हूँ क्योंकि दिन भर अभी ख़राब कर ही देंगे, तो उसके बाद मैं शाम को बदल देती हूँ सोने के पहले, फिर मैं सुबह धो लूँगी। तो अभी काम हो गया है मेरा, डस्टिंग भी मैंने कर ली है, तो बस अब मुझे नाश्ता बनाना है। तो उसका सारा सामान मैं बाहर निकाल कर रख लूँगी फ्रिज से, जो जो मुझे बनाना है। तो कल शाम को जो सब्जी रखी हुई थी ना आलू की, वो मैंने निकाल ली है, तो उसके मैं अभी अप्पे बनाऊंगी। और मैंने भिंडी निकाली है पर भिंडी नहीं बनाऊंगी क्योंकि गाजर और आलू और उसकी सब्जी बनाऊंगी। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, नई है, मतलब मेरे मन में ऐसे ही आ गई थी दिमाग से कि ऐसे मिक्स करके बना ले रहे हैं। तो आप लोगों से भी शेयर कर देती हूँ, अगर आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही अच्छी सब्ज़ी है, इस तरह से कुछ भी थोड़ी थोड़ी मतलब बच जाती है ना, तो मिक्स करके और भी इसके साथ चीज़ें मिक्स कर सकते हैं जो भी आपके पास हो, तो बहुत ही अच्छी बनती है। तो मेरे पास सिर्फ गाजर थी और आलू थे, और अगर बैंगन भी हो ना तो वो भी डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छी बनेगी। समझ लो जो उस तरह से हो जाएगी जैसे पाव भाजी नहीं बनाती, उसी तरह की रेसिपी। तो बस चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं इन सभी चीज़ों को पहले उबाल लूँगी, तो इनको उबलने के लिए रख दे रही हूँ, एक ही सीटी में उबल जाएंगे, एक सीटी लगा दूंगी। और सुबह की चाय वाय हो गई है, बस अब मैं यहाँ पर अप्पे बना ले रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा जो बचा हुआ था ना तो आलू की सब्जी का, तो सूखी वाली बनाई थी तो उसी के मैं कार्तिक के लिए अप्पे बना दे रही हूँ। और दूध भी यहाँ पे गर्म करने रख दूंगी। तो इसकी रेसिपी तो आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएगी, क्योंकि ये मैं बनाती रहती हूँ तो बहुत बार मैंने रेसिपी शेयर की है, तो आप लोग देख लीजिएगा मेरे चैनल पे जाके। और वैसे आजकल सभी बनाने लगे हैं और अच्छे भी लगते हैंगे, और जिनके पास नहीं है तो उसके हिसाब से भी मैंने, मतलब जो अप्पे पैन है ना वो जिसके पास नहीं है तो हम ऐसे ही उत्पम की तरह भी बना सकते हैंगे। और बैटर मेरा तैयार हो गया था और अच्छे से फूल गया है, बस इसमें नमक मैंने मिला दिया है, एक साथ मिला दिया है जिसमें दोबारा दिक्कत ना हो। तो मैंने नमक मिला के रख दिया था, तो उसमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें एक एक चम्मच हमें डाल देना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक एक चम्मच डालना है, क्योंकि जब हम इसमें ये गोलियाँ डालेंगे ना आलू की तो फिर उसको ऊपर से एक चम्मच और डालेंगे जिससे ये ढक जाए अच्छे से। तो ये है ना आलू बंडे की तरह भी दिखते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, टेस्टी, और बहुत कम ऑयल वाला ये खाना है, ऐसा नहीं है कि बहुत तेल वाला है। और यहाँ पर मैं नारियल मूंगफली की चटनी बना रही हूँ, तो मैंने मूंगफली को तल ली थी और थोड़ा सा नारियल भिगो दिया था सूखा वाला रात भर के लिए, और उसमें सिर्फ एक दो मिर्ची डाली है, दो लहसुन की कली और नमक डाल के मैंने पीस लिया है। तो चटनी तैयार हो गई है और अप्पे भी तैयार हो गए हैं। और हमारा नाश्ता तैयार है, तो बस हम नाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद अब मैं बस खाने की तैयारी करूँगी लंच की।
तो ये मैंने तीन ही चीज़ ली हैं, और मैंने बताया ना आप लोगों की कि और भी चीज़ें इसमें मिक्स कर सकती हैं। मैं सूखी सब्जी बनाऊंगी, बहुत ही अच्छी बनेगी। और इसमें तो मैंने इसे उबाल लिया था, एक सीटी लगा दी थी अच्छे से, मतलब बरी भी पक गई हैं आलू भी और गाजर भी। तो इसे थोड़े से तेल में अच्छे से फ्राई करना है, एक चम्मच तेल में, जिससे इसका है ना अच्छा सा एक अरोमा सा टेस्ट आए। तो इस वजह से इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, फिर इसी सेम कढ़ाई में इसका मसाला तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये कुछ मसाला तैयार कर लिया है। मैंने लहसुन की कलियाँ को किस लिया था, और एक प्याज लिया है मीडियम साइज का, उसको भी किस लिया है, और एक टमाटर छोटे साइज का। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से भूनना है। और ये खड़ा मसाला जिसमें थोड़ा सा जीरा है, और दो तीन काली मिर्च होगी, और थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा। इन सभी चीज़ों को अच्छे से भूनना है। फिर उसके बाद मैं मसाले ले लूँगी। तो एक चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच मिर्च पाउडर, एक चौथाई चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। और अब सब इन सब चीज़ों को मिक्स करके इसी में डाल देंगे, और बस अच्छे से भूनना है मसाले को, और इसे अच्छे से सूखा इसी तरह से भूनना है। फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल के भून लेंगे, और उसके बाद इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दूँगी, और इसे बस अच्छे से भूनना है। और बस सब्ज़ी मिला देंगे, क्योंकि सब्ज़ी हमारी दोनों बार से ही पकी हुई है, हमने इसे उबाल भी लिया था और तेल में सेक भी लिया था। तो अब बस इसे थोड़ा सा मसाला अच्छे से भूनने के बाद सब्ज़ी को डाल दूँगी, और यहाँ पर मैंने नमक भी डाल दिया है टेस्ट के अनुसार। तो मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। और इसमें एक टिप ये है कि इसमें मैं डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए पाव भाजी मसाला, क्योंकि ये उसी टाइप की सब्ज़ी बनेगी, बहुत ही अच्छी बनती है। ये आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, कुछ कुछ मतलब मैं इस तरह के मसाले मिक्स कर दो ना तो बहुत अच्छी बनती है। और यहाँ थोड़ा सा मैं गरम मसाला डाल रही हूँ, और मैंने पाव भाजी मसाला डाला है एक चम्मच। बस ये सारी सब्जियां डालने के बाद थोड़ा सा और इसे दो तीन मिनट के लिए पकाना है अच्छे से, और बस मिक्स करके, और बस यहाँ हमारी सब्जी तैयार है। तो यहाँ पर शाम का टाइम हो गया है, मैं बना रही थी चाय और कार्तिक खेलने चला गया है। तो बस डेली के दिन भर के यही काम होते हैं, फिर से बस वही काम शुरू हो जाएंगे, बस पानी भरना पड़ेगा, और फिर उसके बाद रात के खाने की तैयारी करूँगी। तो फिलहाल तो मैं भी बना रही हूँ चाय, तो चाय लेकर बैठूंगी, फिर आप लोगों से थोड़ी सी बात करूंगी। और एक और आप लोग ये रेसिपी ज़रूर बनाकर देखिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगी। तो बस अभी यहीं तक था मेरा आज का वीडियो, और एक बार और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो हम अच्छे से नेक्स्ट मिलेंगे अच्छे से वीडियो के साथ, किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। और हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और जो मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्लीज़ अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और प्लीज़ थोड़ा सा आवाज़ आ रही होगी, नॉइज़ आ रहा होगा, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, थोड़ा सा काम चल रहा है ना घर में, इस वजह से तो बस यही प्रॉब्लम है, तो इस वजह से थोड़ी आवाज़ आ रही होगी। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।